माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी चैनल। मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी का 10th मैथ का बुक बताने जा रहा हूं। उसका चैप्टर है 4.3 और 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को बता चुका है। आज मैं वो जो फर्स्ट क्वेश्चन का रेस्ट पार्ट जो बचा है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, है ना, उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप जो है इसको यदि आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो फर्स्ट पार्ट के लिए आप देख सकते हैं। चलो अब चलते हैं पढ़ाई की ओर। तो आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, ये हमारा है एनसीईआरटी 10th मैथ बुक और एक्सरसाइज, ये चैप्टर नंबर है हमारा 4.3 और क्वेश्चन नंबर है 1 का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर, ठीक है। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, आज मैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन ये है, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। इसको जो हम द्विघात समीकरण के द्वारा भी हल कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि आप स्क्वायर करके इसको जो मूल होता है अल्फा और बीटा उसको निकालना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है 2x² - x 2x² + x - 4, ये हमारा है 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। अब देखो ये हमारा द्विघात समीकरण है जिसको हम कंपेरिजन किससे करते हैं, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर हमारा a के जगह पर क्या है, a बराबर 2 आ गया और b के जगह पर क्या है x, यहाँ पर x यानी b का जगह पर क्या है 1 है और c के जगह पर क्या -4 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मूलों का अस्तित्व जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए हम पहले d का वैल्यू निकालते हैं और d का मान d > यदि 0 होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, और d = यदि 0 भी हो तो उस समय भी मूल जो हमारा होता है वास्तविक एवं असमान होता है, और यदि d > 0 हो जाए यानी d का वैल्यू माइनस में निकल जाए तो उस समय कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कहने का मतलब मूल जो होगा काल्पनिक एवं असमान होगा। तो सबसे पहले इस सब सवाल में पहले हम क्या करते हैं, d का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद इसके अस्तित्व का पता करते हैं। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। चलो b का मान रखते हैं, ये 1 हो गया स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान कितना है -4, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 × 16 = 32, ठीक है, 1 + 32 ये हो जाएगा हमारा 33 आ गया, यानी d > 0 है अतः मूल संभव है, ठीक है। इस समय यदि d का मान माइनस में निकलता तो हम लिख देते मूल संभव नहीं है, तो अल्फा और बीटा निकालने का ज़रूरत नहीं रहता। अब देखो यहाँ पर समीकरण जो है हमारा ये 2x² + x - 4, ये है हमारा क्या 2x² + x - 4 = 0। इसको कह रहा है कि परफेक्ट वर्ग बनाने के लिए तो इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ हम 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है 4x² + x - 2x - 4 2x - 4 × 8 = 0, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या करते हैं, ये जो है 4x² + 2x इतना सा जो पार्ट है, दो पार्ट है, इसको हम तीन पार्ट बनाते हैं, और जो -8 है उसको हम लिख देंगे। तो तीन पार्ट कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। देखो जैसे 4x² है तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2x² चलो a² हो गया। अब इसमें क्या करना है, +2ab लिखना है। तो दो तो मैंने लिख दिया, a का मान है 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 2x पूरा करना है, तो यहाँ पर हम किससे गुना कर दें, हाफ से गुना कर देंगे। हाफ से गुना कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2x ये बच जाएगा। यहाँ तक कंडीशन आ गया। अब देखो प्लस करेंगे इसमें हम हाफ का होल स्क्वायर क्यों किए, इसीलिए कि इसको हमको हमें फार्मूला पर बैठाना है, a² + 2ab + b², चूँकि हम मैंने क्या किया, प्लस का हाफ का होल स्क्वायर किया, ये तो सवाल में है नहीं, इसीलिए हमने क्या किया, माइनस हाफ का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर करने से हिसाब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे -8 = 0। अब देखो क्या होता है, ये हो गया हमारा a + b² यानी 2x + ½² और यहाँ पर इन दोनों में यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2² यानी 1/4 हो जाएगा, और प्लस ये हमारा 8 आ गया = 0। यहाँ पर हो जाएगा 2x + ½² और माइनस इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 8 यहाँ पर हो जाएगा 32 = 0। अब ये हो गया 2x + ½² माइनस ये हो जाएगा 33/4 = 0, या 2x + ½² ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 33/4 क्या हो जाएगा, 33/4। अब देखो ये हो जाएगा हमारा, जैसे क्या है 2x + ½ आ जाएगा अंडर रूट ये हमारा 33/4। तो 33 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं √33/2। ये कितना हुआ हमारा 2x + ½ = आप लिखेंगे, या 2x = क्या हो जाएगा, √33/2 और ये हो जाएगा -1/2। ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो गया √33 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2x = इतना हुआ, या x = क्या हो जाएगा, √33 - 1/2 × 2 = √33 - 1/4 आ गया, ठीक है, √33 - 1/4 आ गया। तो ये जो है 2x यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस दोनों होता है, क्या होता है, वर्गमूल में प्लस और माइनस दोनों होता है। तो हम मैंने क्या किया, प्लस टर्म को लेकर के चला यहाँ पर, अब माइनस टर्म को जब लेकर के चलते हैं तो वो क्या होता है, अब लिखेंगे जब 2x + ½ = -√33/2 या 2x = हो जाएगा -½ और -√33/2, ठीक है, यहाँ पर हमारा 33 आएगा। अब देखो या 2x = हो जाएगा, यहाँ पर क्या हमारा एलसीएम 2 होगा और ये हो जाएगा -1 - √33, या x = -1 - √33/2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -√33 - 1/4, ठीक है, ये हमारा बीटा निकल गया और ये जो है ये हमारा अल्फा निकल गया, यानी अल्फा बराबर हुआ कितना, √33 - 1/4 और बीटा बराबर हुआ -√33
माइनस वन बाय फोर। ठीक है, इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। किस प्रोसेस से? स्क्वायर प्रोसेस से, यानी वर्ग के द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, यानी तीसरा। देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ये है 4x² प्लस 4√3x, 4√3x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको भी हम कंपेरिजन करेंगे। किसे कंपेरिजन करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो से। तो यहाँ पर हमारा a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा क्या हमारा 4√3, और c बराबर हो जाएगा 3। चलो d निकालते हैं। d बराबर होगा b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है? 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 और c का मान कितना है हमारा? 3। ये हो जाएगा 4×16 और 16×3 16 कितना हो जाएगा? 48। कितना आ गया? 48 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 4×16×3 16, ये भी हो जाएगा 48, यानी हो गया 0। यदि देखो डी इक्वल टू 0 हो गया, फिर भी मूलों का अस्तित्व संभव है। अतः मूल संभव है। ठीक है, जब संभव है तो चलो इसका निकालते हैं अल्फा और बीटा। इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। इक्वेशन हमारा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x² के साथ जो कोफिशियंट है 4, वो परफेक्ट वर्ग है, इसीलिए हम इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसको हम सूत्र पर बैठाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2x, और हमको पूरा कितना करना है? 4√3x। कितना पूरा करना है? 4√3x इंटू, यदि हम यहाँ पर रूट 3 दे देते हैं और x दे देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखो ये हमारा √3 यदि देंगे तो ये हो जाएगा 2×4√3x। तो ये हमारा 4√3x आ गया। अब देखो यहाँ पर √3 4√3x, ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे हम? √3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या कर देंगे? √3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? देखो 4x² को क्या लिखे? 2x का होल स्क्वायर प्लस ये 4√3x, ये हमारा हो गया 2ab, 2×4√3x, ये भी पूरा हो गया। प्लस b² के जगह पर क्या दिए हम? √3 का होल स्क्वायर, जो कि 3 के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा किस फार्मूला पर आ गया? a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल, इस क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो इसको करते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस √3 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या 2x प्लस √3 बराबर हो जाएगा हमारा 0, या 2x बराबर हो जाएगा माइनस √3, या x बराबर हो जाएगा माइनस √3/2। एक मिनट, अब देखो इसमें क्या हुआ है। जैसे ये हमारा समीकरण है, समीकरण का जो ये जो वर्ग में दिया हुआ है, तो यहाँ से जो हम ये परफेक्ट किए, तो इसके बाद देखो थोड़ा सा ये पार्ट चेंज करना पड़ेगा। क्या हुआ यहाँ पर देखो, जैसे हमारा हुआ, हम इन दोनों टर्म को ही a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं और 3 को हम टच नहीं करते हैं। इसके लिए हमें क्या कंपेरिजन करना पड़ेगा?
सबसे पहले लिखे हम क्या, टू फोर एक्स स्क्वायर को टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स इंटू रूट थ्री, ये तो हमारा हो गया, प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर किए, और रूट थ्री का जब होल स्क्वायर किए और तो इसीलिए माइनस रूट रूट थ्री का फिर क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट थ्री का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, क्योंकि इस तीन को हम टच नहीं कर रहे हैं और लास्ट में प्लस थ्री लिखेंगे इक्वल टू जीरो, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर किए तो माइनस बी स्क्वायर भी कर दिए, इसीलिए दोनों में कोई डिफरेंस ना आया, प्लस थ्री कर दिए इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टू एक्स प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस यदि कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा तीन माइनस, ये कितना हो जाएगा, तीन इसका रूट थ्री का होल स्क्वायर तीन, और ये भी हो जाएगा माइनस तीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो एक मिनट, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वही चीज़ जो फर्स्ट पार्ट में आया था वही आ जाएगा, रूट रूट टू एक्स, ये कितना है हमारा, टू एक्स प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया जीरो, यानी क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू, ये भी जीरो हो जाएगा, या टू एक्स बराबर माइनस रूट थ्री, या एक्स बराबर माइनस रूट थ्री बाय टू, ठीक है। तो इसका एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस रूट थ्री बाय टू, यानी अल्फा बराबर हुआ माइनस रूट थ्री बाय टू, और बीटा बराबर भी होगा माइनस रूट थ्री बाय टू, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर के सवाल पर, फोर्थ नंबर क्या है उसको देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर, हाँ, इक्वल टू क्या है, जीरो। इसको अब हम कंपेरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो यहाँ पर ए बराबर टू हो गया, बी बराबर वन हो गया, सी बराबर फोर हो गया। चलो डी निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मान वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए का मान टू, और सी का मान क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो वन स्क्वायर तो वन ही आ जाएगा, वन माइनस चार चौक सोलह, और सोलह दूनी बत्तीस, वन माइनस बत्तीस हो गया, यानी कि माइनस इकतीस हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डी लेस देन जीरो, अतः कोई वास्तविक मूल मूल संभव नहीं है, ठीक है। यहीं पर हमारा जो है इसको हम वर्ग करके अल्फा बीटा नहीं निकालेंगे, चूँकि इसके डी का वैल्यू जो है हमारा माइनस में निकला। अब चलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपका जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।